नमस्कार, सलाम, आदाब, सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, घर में बनाया हुआ मशीन है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ मशीन है। सिंपल कंस्ट्रक्शन है, कुछ ज़्यादा उसमें इंजीनियरिंग नहीं है। आप देख रहे हो तो ऊपर से एक ढांचा बनाया हुआ है बैरल का, ये बैरल ही पड़ा हुआ था हमारे पास, उसका ही बनाया हुआ है। और कुछ शीट मेटल के टुकड़े कट करके उसको एक रास्ता बनाया है कि जहाँ से चारा कटेगा वो बाहर आने के लिए। इस मशीन पे आप हरा चारा और सूखा चारा दोनों भी कट कर सकते हो। ये घर में बनाई हुई मशीन है, सूखा चारा के लिए स्पेशली अच्छा वाला है। अगर आप इसमें अंदर आप देख रहे हो, अगर घूम रहा है और चारा जाएगा उसमें, सूखा चारा धान का और गेहूँ का चारा वगैरह जो भी होता है उसको कट करने के लिए बेस्ट मशीन है। बहुत ही कम खर्चे में आया है, टोटल खर्चा 4 से 5 हज़ार के अंदर हुआ है। बस जो खर्चा है वो मोटर का ही है। आप मोटर 1 HP की ले सकते हो, 2 HP की ले सकते हो। मैं तो करता हूँ, कहता हूँ कि 1 HP का भी इस पर सेटिस्फाई रहेगा, क्योंकि लोड 1 HP की मोटर से भी बहुत सारा अच्छा काम हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है 1 HP की जगह 2 HP 3 HP लोगे, क्योंकि इस पर लोड तो ऑब्वियसली नहीं आने वाला है। आप जितनी फास्ट इस मोटर को घुमाओगे उतना बारीक सा टुकड़ा होगा। स्पेशली ये सूखा चारे के लिए बहुत ही बेस्ट मशीन है। मशीन मतलब बनाई हुई मशीन है। आप भी इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हो। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, सिंपल है। कुछ पुराने मशीन या बैरल वगैरह लेके उसको बना के मोटर चालू करना है अपने को। मोटर के जितनी फास्ट मोटर चलेगी उसी के हिसाब से टुकड़े होंगे, और बहुत ही फास्ट होगा इसका। आप 1 घंटे में लगभग आप 100-200 किलो भी निकाल सकते हो। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारे इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस है, आपको वीडियोस में मिल जाएंगे कि हमने घर में कैसे बनाते हैं ये मशीन, उसके बारे में डिटेल बनाए हैं, दिया है। आप अगर अंदर देख रहे हो, ब्लेड घूमेंगे और उसमें जाएगा चारा और वो कटेगा। ये सिंपल प्रोसेस है। आप अंदर का प्रोसेस आप यहाँ पर ऐसा देख सकते हो, इस तरह के ब्लेड्स।